प्रेग्नेंट थी। तो फाइनली गुड न्यूज है, अब खुश हो जाइए, कॉन्ग्रेचुलेशन लिख के बढ़िया खूब सारा भेजिए, दुआएं दीजिए कि आने वाला बेबी खूब मतलब अच्छे मतलब अच्छा हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, जैसे आपने हमें हमेशा हमारे लिए दुआ करते हैं फ्रेंड, वैसे ही। तो अभी ब्लॉग में बने रहिए, इंजॉयमेंट करते रहिए, अभी जा रहे हैं डिस्पेंसरी। जो भी होगा आप लोगों को, अपडेट का जो छोटा भाई है वो आने, छोटा भाई हो बहन हो कुछ भी हो, कभी इंसान को भेदभाव नहीं रखना चाहिए। किसी को आ जाना परसों नरसों आए तो भैया ने बोला परसों, फिर आज बोला है परसों, तो मैं उन्हीं के लिए उन्हीं के साथ डिस्पेंसरी गई थी। और अभी मैं जा रही हूँ फ्रेंड, तो रोड बहुत स्पीड में गाड़ी आ रही थी, अभी तो मेरा क्या होता, लग रही थी सर्दी वगैरह, तो प्रप्रीत के ऊपर चुन्नी डाल। तो अभी मैं फ्रेंड जा रही थी, आपने देखा होगा मैं दही वाले डब्बे वगैरह लेके आई थी, आप लोगों ने देखा होगा फ्रेंड। हम सभी के लिए बहुत ही बड़ा धमाकेदार गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ क्या है अभी आप लोग को हम बताने वाले हैं, जस्ट में जस्ट। तो फाइनली रफरीत का ना छोटा भाई या छोटी बहन आने वाली है, यही गुड न्यूज़ है, और आप लोग भी खुश हो जाइए। और आप लोग को बताने वाले हैं वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, कुछ भी है वो मैं सब आपको किट के साथ दिखाएंगे, ठीक है। आप लोग ये मत सोचना कि मैं नहीं दिखाऊंगी, किट के साथ दिखाएंगे हम। ओ माय गॉड, ये बिना दांत वाला बुड्ढा किधर से आ गया, और क्या स्टाइल में चश्मा उतारा मेरा पुत्र। तो हेलो फ्रेंड्स एंड गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग। तो फ्रेंड्स अभी जा रही हूँ डिस्पेंसरी, और फ्रेंड्स मेरे सोचेंगे प्रिया डिस्पेंसरी क्यों जा रही है, धूप काफ़ी ज़्यादा है। तो फाइनली गुड न्यूज़ है, रप्रीत का जो छोटा भाई है वो आने, छोटा भाई हो बहन हो कुछ भी हो, कभी इंसान को भेदभाव नहीं रखना चाहिए किसी चीज में। तो फाइनली आप सभी को लिए भी गुड न्यूज़ ही है, तो रप्रीत का छोटा भाई आने वाला है, या छोटा बहन, छोटी बहन या छोटा भाई, तो आप लोग खुश हो जाइए, कॉन्ग्रेचुलेशन लिख के बढ़िया खूब सारा भेजिए, दुआएं दीजिए कि आने वाला बेबी खूब मतलब अच्छे मतलब अच्छा हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, जैसे आपने हमें हमेशा हमारे लिए दुआ करते हैं फ्रेंड, वैसे ही। तो अभी ब्लॉग में बने रहिए, इंजॉयमेंट करते रहिए, अभी जा रहे हैं डिस्पेंसरी। जो भी होगा आप लोगों को अपडेट्स वगैरह देते रहेंगे। अब आप ये मत सोच लेना मेरे होने वाला है, ठीक है, ये आप लोग ये सोच रहे हो प्रिया को, मुझे नहीं। अभी बताएंगे, थोड़ा सब्र रखिए, धैर्य रखिए, सब्र का फल मीठा होता है। रफरीत भी हंस रहा सुन सुन के, सोच रहे मम्मी बहुत अच्छा प्रैंक कर लेती है। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए, इंजॉयमेंट करते रहिए, अभी आपको बताएंगे बेबी किसे होने वाला है, आप लोग बहुत एक्साइटेड भी हो जाओगे और खुश भी हो जाओगे। चलिए, चाहे बेबी कहीं भी किसी को भी हो, अगर पास में हो तो बहुत खुशी मिलती है, और छोटा बेबी सभी को पसंद होता है, राइट। चलिए डिस्पेंसरी पहुँच चुके, मिलते हैं आप लोगों से। पता है अभी रफीत जस्ट सो के उठा है, और पता है ढूंढ रहा है मुझे, गिर जा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, कैसे हो, सो के उठ के तो सीधे तेल का बोतल उठा लिया है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, शोया क्यों, तू शो के उठ के मम्मा को ढूंढता है सीधे, तू सीधे मम्मा को ढूंढता है, तुझे शर्म नहीं आती, तुझे शर्म नहीं आती, तू सीधे शो के उठ के मम्मा को ढूंढ रहा है। भूख लग गई फ्रेंड, पता उठा, इधर देखा, पूरा गोल गोल देख लिया, उसके बाद उठा, ये फोन मेरा ना यहाँ पे रख रखा था इस जगह पे, पहले फोन मैंने धीरे से पीछे से ना फोन उठा लिया, फिर इसने ये तेल की बोतल उठा के खेलना स्टार्ट कर दिया। हाय, सोना बेटा है, ये सोना बेटा है। चलिए फ्रेंड्स ब्लॉग में बनी रही। हेलो फ्रेंड्स एंड गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग। तो फ्रेंड्स आप सभी के लिए बहुत ही बड़ा धमाकेदार गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ क्या है अभी आप लोग को हम बताने वाले हैं, जस्ट में जस्ट। तो फाइनली रफरीत का ना छोटा भाई या छोटी बहन आने वाली है, यही गुड न्यूज़ है, और आप लोग भी खुश हो जाइए। और आप लोग को बताने वाले हैं वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, कुछ भी है वो मैं सब आपको किट के साथ दिखाएंगे, ठीक है। आप लोग ये मत सोचना कि मैं नहीं दिखाऊंगी, किट के साथ दिखाएंगे हम, वो नेगेटिव है पॉजिटिव है रफरीत, है ना, है ना।
तो चलिए फिर हम ब्लॉग में बने रही, इंजॉयमेंट करते रहिए, प्यार आशीर्वाद देते रहिए। बस यही कहूंगी जो छोटा बेबी आने वाला उसके लिए प्यार। और अब आप ये मत सोच लेना मेरे होने वाला है बाबू, ये मत सोच लेना। रपप्रीत कहने मतलब ऐसा तो है नहीं, यहाँ पे तो और भी लोग रहते हैं तो है ना, तो उनको बेबी होने वाला मैं बताऊंगी आप लोग को। आप लोग वेट करिए किसे बेबी होने वाला मैं वही बताऊंगी, आप लोग इंतजार करिएगा। नहीं तो आप लोग सोच प्रिया प्रेगनेंट है ये वो, ये सब गलत मत बोलिएगा फ्रेंड, मैं बताने वाली हूँ। क्योंकि चाहे पास में बगल में हो तो खुशी सभी को होती है, अगर मैं इस जगह पर रह रही हूँ तो मुझे भी बहुत खुशी है। तो जैसे यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे, कोई छोटा है कोई बड़ा है, तो भाई 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 बहन भाई बहन होते हैं। तो वैसे छोटू आ रहा है तो उसका नाम भी छोटा भाई या छोटी बहन ही होगा। तो इसे देख रप्रीत, हेलो रप्रीत, ओ माई गॉड ये बिना दांत वाला बुड्ढा किधर से आ गया, और क्या स्टाइल में चश्मा उतारा मेरा पुत्र। तो देख ली फ्रेंड कैसे ये पूरे जितना भी मेरा मेकअप था वो मैं अभी जा रही थी तो हेलो रप्रीत, हेलो 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 हेलो, तू मेरे सुनना बेटे, ओए सुनता हूँ, ओए तू सुनता क्यों नहीं, तू क्यों नहीं सुनता मम्मा की बातें, ओए ही। तो देख रहे हो फ्रेंड कितने स्टाइल से पोज मारता, ओ मम्मा माले मम्मा पिताई कले तेली, देख रहे हो फ्रेंड जी बहुत ऐसे करता, सारा मेकअप ये देखिए कैसे मेरा गिरा के रख दिया। ये पैन कार्ड है मेरा, तेरा भी बनवा दो ना प्रीत पैन कार्ड। ये देखिए फ्रेंड फोटो कैसे गिर रही मेरी, देख रहे हो ऐसी गिरती रहती है फ्रेंड मेरी फोटो। अभी ये गिर जाएगी साड़ी वाली, तो अपने बचपन में कितना क्यूट सा था, देखिए कितना क्यूट लग रहा है। इसमें यही रूम का ये मंदिर मत्था टेकने गए थे रपी जब छोटू सा था, ये जब सबसे छोटू था तब का है। इधर भैया भाभी, चलिए फ्रेंड ब्लॉग बने रही, मस्ती मार रहा है इधर पा कर। फ्रेंड्स अभी मैं जा रही थी थोड़ा काम से ये, हाँ आप लोग को ये बताने वाले थे ना कौन है, तो आप लोग को बता दूँ नहीं तो आप लोग कंफ्यूज रहोगे फ्रेंड। वो हमारे घर के पास एक बेबी और रहता है, आपने देखा कि ब्लॉग में नहीं देखा, तो वो सिस्टर ही बोलेंगे दी लगे हैं सिस्टर, तो वो ना उनको ना बेबी होने वाला है। तो इसके लिए मैंने आप लोगों को बोला था गुड न्यूज़ है, नहीं तो आप लोग भी काफ़ी लोग हमारे फ्रेंड जो होंगे वो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो वो सिस्टर का ही है और कुछ नहीं, तो मैं साथ में रहते तो जैसे होता नहीं गा बेबी, तो ये छोटा भाई है रप्रीत का, बड़ा भाई रप्रीत, बड़ा भाई ये छोटा भाई, तो ऐसे बोलता तो किसी को बुरा ना लगे फ्रेंड। और इसमें बुराई वाली कोई बात ही नहीं है, पास में बच्चे रहते छोटा भाई बड़ा भाई ऐसे बोलते ही रहते हैं, ये छोटू है बड़ू है ऐसे बोलते हैं, कोई बात नहीं। तो ऐसा ही था, वो सिस्टर मतलब प्रेगनेंट थी तो मैं उन्हीं के साथ डिस्पेंसरी गई थी। और अभी मैं जा रही हूँ फ्रेंड, तो रोड बहुत स्पीड में गाड़ी आ रही थी, अभी तो मेरा क्या होता, लग रही थी शादी वगैरह, तो रप्रीत के ऊपर चुन्नी डालूँ। तो अभी मैं फ्रेंड जा रही थी, आपने देखा होगा मैं दही वाले डब्बे वगैरह लेके आई थी, आप लोगों ने देखा होगा फ्रेंड मैं दही वाले डब्बे वगैरह लेके आई थी। पता है इसमें थोड़ा पानी का इशू कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, मतलब मुझे मिल नहीं पा रहा है पानी, तो मैंने सोचा कि मैं अपना खुद का डब्बा वगैरह ले आऊँ सही रहता है, फिर इसी थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तो जा रही थी मैं वही डब्बा वगैरह लाने दही वाला, वो मैं एक दिन और गई थी तो उन भैया ने बोला कि परसों आना, तो परसों जा नर्सों हो गया, तो आज मैं जा रही हूँ। चलिए फ्रेंड ब्लॉग में बने रहिए, चलते हैं अभी देखते हैं फ्रेंड उन भैया क्या बोलते हैं, अभी फिर से कब आना है, बोले थे आज के लिए अब मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं। रपरी सोरत को उठा के ले आई, चलते मिलते हैं आप लोगों से। फ्रेंड भैया ने फिर बोला परसों आ जाना, परसों नर्सों आए तो भैया ने बोला परसों, फिर आज बोला परसों, तो अभी परसों ही आएंगे। अभी आपको एक चीज़ दिखा, कितने शान से शौकत से सो रहे हैं, वो नींद हराम कर दी मम्मा ने, है बेटू मम्मा ने नींद हराम कर दी ना, वही से डब्बा पूछने फ्रेंड्स है ही नहीं, अभी जा रही हूँ रिटर्न घर। ओ भोड़ा बाबा दे दे नोट छापने की मशीन, सबकी बजा दूबी, ऐसा सॉन्ग है ना फ्रेंड, ये मैं सोचेगा मैं ही गा रही हूँ, सॉन्ग भी है बहुत लोगों ने, करोड़ों अरबों लोगों ने सुना हुआ है सॉन्ग, नहीं तो लोग बोल सकते प्रिया लालची है। बाप रे बहुत गर्मी है फ्रेंड,
कहाँ गए ममता भरे दिन, कैसे कोई जिए रप्रीत तुम्हारे बिन। चले फिर घर पहुंच के मिलते हैं। सारे कपड़े वगैरह भी मैंने चेंज कर लिया, तो अभी फटाफट फ्रेंड मेरे घर का कंडीशन कुछ ऐसा है, तो अभी मैं रप्रीत को बाहर उधर बैठा रखी हूँ, वहाँ पे कई लोग बैठे हैं तो वहाँ मैंने बैठा दिया। अभी चलिए फिर ब्लॉग में बने रही, इंजॉयमेंट करते रहिए। आप लोग को ये कहूँगी कि अभी इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ी कि मैं बता नहीं सकती। अभी ना सारा काम वगैरह करना, मुझे इधर भी काम पड़ा, ये पूरा फैला पड़ा, देख रहे हो पता है इतना मुश्किल होता है ना, बता नहीं सकते। तो अभी चलते हैं फ्रेंड्स, सारा काम वगैरह करते हैं, अभी देख रहे हो कुछ ऐसा है। और हाँ, मेरी एक क्यूट सी सिस्टर ये भी कमेंट करी थी, प्रिया दी आपने अपने रूम का फुल लुक जरूर दिखाना, मैंने पढ़ा था, मैंने स्क्रीनशॉट भी लिया उस कमेंट का। तो उन्होंने बोला आपने अपना फुल रूम दिखाओ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपने पेंट वगैरह किया, बैकग्राउंड भी अच्छा था, और यहाँ पे फोटो टिकता ही नहीं। तो अभी चलिए आप लोग, पहले मैं पूरी सफाई कर लेती हूँ, नाम मैं भूल गई, मैं ले लूंगी सिस्टर आपका। तो मैं ना वो हो गया था, क्या बोलते हैं, हाँ रूम साफ कर लूँ, उसके बाद फुल रूम का लुक मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, जिन सिस्टर ने कमेंट किया वो भी देख। तो यहाँ पे फ्रेंड फाइनली मैं, जो मेरा बेड है बहुत ज्यादा गंदा था, तो मैंने टाइमलेस लगा दिया ताकि आप लोग मेरी स्पीड देख सको, मैं कितनी फास्ट काम, कौन कौन इस तरह फास्ट काम करते, जल्दी आ जा रहा प्रीतु भी आ जा, कौन इतना फास्ट काम करते जरूर कमेंट करके बताइए। तो मैंने टाइमलेस आप लोगों से मजाक करे, तो फ्रेंड पता है कि बेड वगैरह सेट करे थे, मैंने सोचा चलिए मैं टाइमलेस लगा के मतलब सूट भी कर लूँ। तो देख लीजिए मैं इस तरीके से जो पिलो है ना, ये रप्रीत के वजह से लगाती हूँ फ्रेंड, क्योंकि रप्रीत ना धड़ 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 गिरता रहता है। तो देखिए कितना फास्ट मैं काम कर रही हूँ, सारा बेड इतना मतलब कि बैकग्राउंड जब से मैंने पेंट कर दिया ना, बड़ा प्यारा लग रहा है। तो ये भी मैं अपने कपड़े वगैरह फोल्ड कर रही हूँ सारा। फाइनली हमारे रूम का लुक कुछ ऐसा है, ये बेड है, इधर फोटोज वगैरह, अभी ये फोटो ये येल्लो साड़ी वाली है ना, ये वाली ये गिर जाएगी। और इधर हमने सारा सामान वगैरह रख रखा है, आप देख रहे हो इधर चावल की बोरियां वगैरह डिब्बा है, और इधर हमारा चावल बन रखा है, ये चावल भुगोना है, इधर ये क्रेट वगैरह, इधर मैं सामान वगैरह, इधर चटाई हमारी रहती है, यहाँ पे पंखा लगाते, ये बाहर का है नज़ारा, यहाँ से खिड़की ठंडी ठंडी हवा भी आती है, खैर उतना खोलते नहीं है। और इधर है ये सारा हमारा रूम का लुक, यहाँ नीचे चटाई बिछा देती हूँ क्योंकि रप्रीत खेलता है, ये पूरा लुक है, देख लिया आप लोगों ने फाइनली। तो फाइनली मेरा बिस्तर वस्तर चढ़ गया, बस झाड़ू पोछा करना है, और बर्तन बर्तन तो कुछ है नहीं, पानी मेरा भरा हुआ है। चलिए अभी फ्रेंड्स मैं और रप्रीत हम दोनों जा रहे थे चिकन लाने, क्योंकि है इधर बारिश का मौसम और बहुत ही सुहाना सा मौसम हो रहा था, आंधी तूफान में क्या खाने का मन करता है, चिकन वगैरह गिर जाएंगे देखना, बॉलिंग बॉल खेल रहे। तो अभी चलते हैं फ्रेंड्स, देखिए कितनी तेज आंधी तूफान चल रही है, देख लो मैं जा रही हूँ, पता है क्या फ्रेंड्स, चिकन लेके आते हैं बारिश होने लगेगी फिर। तो फ्रेंड दो दो बार मुझे इधर आना पड़ गया, तो फाइनली ये चिकन ले लिया ब्लैक पॉलीथीन में लेके आ चुकी हूँ। तो अभी जा रहे हैं बनाएंगे रप्रीत के लिए, बनाऊंगी दलिया में डाल के, मैं अपने लिए ऐसे बनाऊंगी, ले लिया ज़्यादा मतलब कि सुबह भी खा लूँ मैं, मतलब अभी अभी तुरंत नहीं बनाऊंगी, जा रही हूँ अभी थोड़ी रुक के बनाऊंगी क्योंकि थोड़ा शाम हो गया तब बनाएंगे। उसके बाद मौसम ठंडा है ना, इसलिए मैंने ज़्यादा अभी भी खा लूँगी और सुबह में भी खा लूँगी, क्यों बेटा अभी भी कहेंगे आधी तूफान बहुत तेज़ी से चल रहा है, देख लो पेड़ कैसे हिल रहा है, ऐसे ही हिलता है पेड़ इधर, तो बहुत आंधी। कल शाम में भी बारिश हुई, ओ ये कहाँ जा रहा खड़ा होके गंदा। तो अभी देख रहे हो फ्रेंड्स रप्रीत भाग रहे मम्मा को छोड़ के, बोल रहे मैं चला मैं जा रहा मुझे मत रोको, और रप्रीत थोड़ा वीक सा भी लग रहा है ना क्योंकि बड़ा हो रहा है ना, इसलिए बच्चे तो वीक होते ही हैं के बड़े होते। चलिए अभी ब्लॉग में बने रहिए, आप लोग इंजॉयमेंट करते रहिए फ्रेंड्स, चलते हैं अभी बनाते हैं। और हाँ, जो मैं चिकन बनाऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग में आएगी, इसमें नहीं आएगी, ठीक है। आप लोग सोचो बाप प्रिया ने तो मौज कर, मेरे मुंह से कैसे निकल रहा है, प्रिया ने तो मौज कर दिया, लवप्रीत ने भी मौज कर दी। चलिए मिलते हैं फ्रेंड थोड़ी देर बाद आप लोगों से। मुझे रिटर्न फिर से आना पड़ा रप्रीत को छोड़ के, ये देखिए सब्जी और चाय थी रखी, मैंने सोचा बिस्किट वगैरह भी ले लूँ, और धनिया अदरक वगैरह कुछ था नहीं, तो विदाउट हरी धनिया की अच्छी नहीं लगती मुझे, जैसे मैंने कभी कदर बनाओ तो अच्छा लगता है ना सारा जो, तो इसलिए। तभी चलिए ब्लॉग में बने रही, इंजॉयमेंट करते रहिए, चलते हैं। रोड पे बनाने में बहुत थोड़ा वो अजीब सा भी लगता है, कहीं ऐसा ना साइड से छीन के चलते मेरा फोन। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से घर पहुंचने के बाद।